हे फैमिली, कैसे हैं आप सब? क्या आप भी मिस कर रहे हो पानी पूरी को मेरे जैसा? तो कोई बात नहीं, आज हम घर पे बनाते हैं बहुत आसान तरीके से और बाजार जैसी टेस्टी पर, जैसे हम ठेले वाले भैया से खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो इसे देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं रश्मि स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टेट्स फ्लेवर पर। गाइस, आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चटपटासा रेसिपी। आज हम आटे वाला गोलगप्पे बनाएंगे, तो इसलिए मैं एक मेजरमेंट कप गेहूं के आटा लेके रखी हूँ और ये 3 टेबलस्पून सूजी है और हम इसका डो बनाना है, तो इसलिए हमें चाहिए पानी। तो अपने हिसाब से, क्योंकि हमें इसके सख्त डो बनाना है तो रिक्वायर के हिसाब हम पानी यूज़ करेंगे। तो आटे की डो लगाने के लिए एक बर्तन में मैंने आटा डाल दिया है। अब इसमें सूजी ऐड करती हूँ और 1 चम्मच करीब नमक डाल रही हूँ। हाथ साफ़ करके हमें ये तीनों चीज़ को अच्छे से मिलाना है ताकि नमक, सूजी, आटा आपस में मिल जाए और एक अच्छे से डो बन के हमारे तैयार हो। वैसे ये जो पापड़ी बनता है ना, उसकी डो जो है बहुत सख्त बनता है, इसलिए पानी एक साथ ना यूज़ करें, एक बार एक मिला देते हैं, फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। जैसे पूरी में थोड़ा सख्त आटा हम डो बनाते हैं आटे की, उसी तरह उससे भी थोड़ा ज़्यादा सख्त बनाना है हमें, नहीं तो हमारी जो ये पापड़ी है ना, वो क्रिस्पी नहीं बनेगा और फूलेगा भी नहीं अच्छे से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सख्त आटा बनाना है इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी डो बनाएं। तो ये देखिए, हमारे आटे की डो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। आपको इस तरह से आपको गूंथना है कि सूजी आटे के अंदर ही अच्छे से मिक्स हो जाए, ऐसे नहीं कि सूजी बाहर नज़र आए। मुझे इसे गूंथने में 5 से 10 मिनट लग गया, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त बनता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसे अच्छे से गूंथ ले और उसको इसे खोला नहीं छोड़ना है, 10-15 मिनट हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। तो आप एक साफ़ सूती कटन कपड़ा ले ले, जिसको गीला करके इस तरह से पानी निचोड़ देना है और इस तरह से ढक के 10 से 15 मिनट रखेंगे हम, ताकि हमारे जो आटे का डो है ना, ज़्यादा सख्त ना बन जाए, फिर सूख ना जाए। जब तक आटा हमारी रेस्ट पे है, हम इमली वाली पानी तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए मैं 1 कटोरी फ्रेश पुदीना पत्ता के साथ 2-3 हरी मिर्च लेके रखी हूँ और ये थोड़ा सा इमली है जिसे हमें पहले तो भिगोना है, मतलब थोड़ी सी सॉफ़्ट होने के लिए पानी में डाल रही हूँ। मैं थोड़ी सी हल्का गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि जल्दी सॉफ़्ट हो जाए। और हम इधर पुदीना पत्ता और हरी मिर्च को ना ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देख सकते हैं पुदीना पत्ता को मैंने किस तरह से ग्राइंड कर लिया है। और इधर जो हमारी इमली था ना, उसका भी मैंने पानी निकाल के, वो जो रॉफेस था उसको डिस्कार्ड कर दी मैंने। तो अब पुदीना पत्ता को इमली के साथ ऐड कर लेंगे। तो आपको तो पता है पुदीना पत्ता की जो फ्लेवर आता है इमली वाली पानी में, बहुत ही दुगना ही कर देता है उसकी टेस्ट। तो फिर एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ना ऐड करेंगे स्वाद अनुसार 1 से 1.5 चम्मच करीब नमक। मैं यहाँ पर 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट ले रही हूँ, काला वाला नमक जो होता है। और मैं आप एक मसाले प्रिपेयर की हूँ, जैसे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला। इस सारे को मैंने मिला के इस तरह से मसाले प्रिपेयर की हूँ। तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच करीब मसाला ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी ये पुदीना और इमली वाली पानी तो बन के तैयार हो गया है। आप इमली अगर पसंद नहीं करते, आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। अभी हम बनाएंगे आलू की मसाले। तो आलू की मसाले बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 प्याज को बारीक कटी हुई रखी हूँ, यहाँ पे 4 उबला हुआ आलू है और ये थोड़ी सी एक छोटा सा कटोरी सफ़ेद मटर है जिसको मैंने उबाल के इस तरह से रखी हूँ। ज़्यादा नहीं उबालना है हमें और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो मसाले हैं जो हमने बनाए थे, जैसे मैंने कहा था, इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिया है। एक बाउल पर हमें आलू लेना है और मैं इसको मैश कर रही हूँ। अगर आपको मैश वाला नहीं पसंद है तो छोटे छोटे पीस में कट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने मसाले किस तरह से खाना चाहते हैं। तो मैं तो अभी इसको मैश कर रही हूँ फिलहाल। फिर मैं अभी इसमें ऐड करूँगी ये जो सफ़ेद मटर है, मैं ऐड करूँगी इसमें प्याज और जो मसाले बनाए थे इसमें 2 से 3 चम्मच करीब मसाले डालूँगी और थोड़ा सा स्वाद अनुसार थोड़ी सी नमक डालेंगे हम इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों में। ये जो मसाले हैं ना, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरह से बनता है। ये उड़ीसा में तो इस टाइप के बनते हैं, बाकी मैंने देखा है कि इसमें आलू को छोटे छोटे पीस में काट के ऐसे ही डाल देते हैं, उसमें नमक भी ऐड नहीं करते। अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप भी इस तरह से मसाले प्रिपेयर कर लेना है आपको सिंपल सी। खट्टे पानी और आलू की मसाला बन के दोनों तैयार है हमारे पास। अब डो की बारी है, अब देखते हैं हमारे आटा कैसे हैं, अब फिर हम इसमें पूरी बनाएंगे। 15 मिनट के बाद हम आटे को, अभी देखिए आटा बिल्कुल सेट है, लेकिन पूरी बेलने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक साफ़ सूती कपड़ा लेना है गीला करके, जब हम पूरी बेलेंगे ना उसके अंदर हमें ढक के रखना है। तो पूरी बेलने से पहले 5 मिनट अच्छे से आटा को वापस गूंथ लेते हैं। इस टाइम में हमें ना ही कोई कुछ एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ करना है या पानी यूज़ करना है। तो ये देखिए, अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसमें छोटे छोटे टुकड़े में
कट कर रही हूँ एक चीज़ को, एक गोले को हम लेंगे और बाकी जो है ना उसको भी गीला कपड़े में ही ढक के रखना है हमें। तो अब इसमें क्या करेंगे, बेलन की हेल्प से हमें इसे एकदम से बड़ा सा रोटी बनाएंगे और वो फिर पतला सा, जितना पतला होगा हमारी पापड़ी ना उतनी अच्छे से फूलेगा। मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल या सूखा आटा बिल्कुल कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही हमें इसको बेलना पड़ेगा। ये देखिए हमारी रोटी ना बिल्कुल तैयार है बनके, ये बहुत ही पतला सा मैंने इसको बेला है, तो आपको भी इस तरह से ही करना है। आप किनारे देख सकते हैं कितनी पतला है ये, तो इस तरह से कोई डब्बा के ढक्कन ले लेना है या फिर कोई साफ वाला कटोरी आता ना उसको ले लेना है, क्योंकि हमें थोड़ा जोर दे के उसको राउंड शेप में कट करना है। तो मुझे इस तरह से करने बड़ी मज़ा आता है, कि आपको भी इस तरह से करने अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी आसान से ना ये बन जाते हैं। और जो इसे रेस्ट पार्ट है ना तो उसको निकाल देते हैं जो अगले बार हमारे काम पे आएगा। और ये सारी पूरियों को हमें इस कपड़ा में ढक के रखना है जब तक हमारी तेल गर्म ना हो जाए। मैंने गैस पे कढ़ाई रख के इसमें तेल डाल दी थी, हाई फ्लेम पे तेल को गर्म किया हुआ है मैं, अभी इसमें पूरी डालेंगे। ये देखिए तेल कितनी अच्छे से गर्म है, तो ये ऊपर आने लगता है। जैसे ही ये ऊपर आएगा ना हमें हल्के से हमें इसे दबाव देना है नीचे की ओर, ताकि इतनी गोल गोल फूली हुई पूरी बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं कुछ और करके भी आपको दिखाती हूँ। हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है, और जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होता है इस तरह से हम इसको निकाल देंगे बाहर। तो मैं दो चार और फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए ये किस तरह से ऊपर आ रहा है, तो हमें थोड़ी सी नीचे की और इस तरह से दबाव देना है। तो ये देखें कितनी अच्छी बन रही है ना पूरी। तो आप भी इस तरह से बनाएं, ज़्यादा पूरी एक साथ ना डालें, जितनी अपनी कंफर्टेबल में फ्राई कर सकते हैं ना उतनी डालें। बस कुछ चीज़ की ध्यान रखना है, जैसे तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, और एक या फिर दो चार करके पूरी हमें डालना है, और नीचे की और थोड़ा इसे हल्का दबाव देना है, बस इस चीज़ का ही ख्याल रखना है। ये हमारी देखिए ये किस तरह से बन रहा है। मैं सारी पूरी को तल के फिर आपसे मिलती हूँ। मैं सारी गोलगप्पे बना दिया है, अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बना है, जिसे बाजार में मिलती है ना बिल्कुल इस तरह से। आप देख सकते हैं ये किस तरह से टूट रहा है, बहुत पतली सी बना है और बहुत ही क्रंची लग रहा है। तो मैं एक आवाज़ सुनाती हूँ। चलिए फिर प्लेटिंग करते हैं। एक पूरी को हाथ में सिंपल सी लेना होता है, बीच में थोड़ा सा तोड़ के आलू की मसाले की स्टफिंग देंगे, फिर पुदीने वाली जो खट्टे पानी है उसमें डिप करके पानी पूरी को एंजॉय करेंगे। तो आपने देखा कितनी आसान से बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी वाली गोलगप्पे। तो आप भी इसे घर में बनाइए। अगर आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।